छज्जों के नीचे, अरे छज्जों के नीचे जच्चा खड़ी पछिता, छज्जों के नीचे जच्चा खड़ी पछिता। जच्चा खड़ी गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभयक्षणं उमासुतं अशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, बोले महाराज रामचंद्र की। प्रिय भक्तों, लवली कैसेट के माध्यम से आप लोगों को मैं भगवान की पावन सुंदर चर्चा की तरफ ले चल रहा हूं। उसके पहले सर्वप्रथम आइए दो बार प्रभु का नाम स्मरण किया जाए, उसके बाद एक छोटा सा पद, फिर भगवान की सुंदर पावन चर्चा आप लोग मेरे द्वारा श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम दो बार भगवान का नाम लिया जाए और उसके बाद भगवान का पावन चरित्र सुने आप लोग। एक बार जयकारा बोले। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, दो बार प्रभु का नाम ले। भैया लोग, सभी हमारे भैया लोग, माता बहने सभी लोग बोलेंगे। गोबर धने गिरधारी जी सुधी लेना हमारी, गोबर धने घर खायो जी।
दूरे घर खायो जी सुधी लेना हम बोले कृष्ण भगवान की। एक छोटा सा अभी भगवान के चरणों में एक पद सुने और फिर भगवान की पावन चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। ये पद उस समय का है, संसार में चाहे जितना हम तीर्थ व्रत दान सब कर लें, लेकिन जब तक हमारी शरीर के अंदर जो मन है ये मन नहीं साफ है तो बेकार है। तो किसी कवि ने कहा है, अरे कैले मन को साफ कर पनवा हरि कर पनवा हुई है कैले ढूंढते हैं। मुड़ा मुड़ाए कोई जटा रखाए गेरू रंग पहने बसनवा भगवान की। आइए भक्तों, अब आप लोगों को हम भगवान की पावन सुंदर चर्चा की तरफ ले चल रहे हैं। आप मेरे द्वारा प्रसंग सुनने जा रहे हैं। मैं अपने विषय में बता दूं, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह यादव उर्फ प्रवीण जी, निवास स्थान ग्राम बबरीपुर सिधौली सीतापुर के माध्यम से आप भगवान की पावन चर्चा
लवली कैसेट के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। लवली कैसेट के माध्यम से आप लोगों के द्वारा हम पहुंचा रहे हैं। तो आइए ध्यान दें, प्रसंग उस समय का है। एक बार की बात है, देवलोक में समस्त देवताओं का दरबार लगा है। ध्यान दें, लिखा है, एक बार सुरेश दरबार, एक बार सुरेश दरबार, सब देवन का जुड़े हुआ तारा, सब देवन एक बार की बात है, देवराज इंद्र के दरबार में समस्त देवताओं का दरबार लगा हुआ है। सभी सब 35 कोट देवता बैठे हैं। सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि आदि आदि सभी सब देवता बैठे हुए हैं। वहां पर देवराज इंद्र ने सूर्य भगवान को अपने पास में बुलाया और सूर्य भगवान से एक प्रश्न किया, एक बात कही। क्या कहा? कहने लगे, सूर्य नारायण, ये बताओ दुनिया में सबसे सुंदर नारी किसकी है? सूर्य भगवान कहने लगे, इंद्र, संसार में जिस समय मैं खुल के निकलता हूं तो हमारे में इतना तेज है कि हमारे निकलते ही निकलते सुंदर आदमी और सुंदर नारी मेरे आगे ठहर नहीं पाते हैं, वो सब छाया को भागते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि दुनिया में कौन सुंदर नारी है। हां, अगर ये बात पूछना है तो आप चंद्रमा से पूछें, क्योंकि चंद्रमा में इतनी शीतलता है। अभी उजेली रात्रि हो, रात में स्त्री पुरुष नारी सभी सब घुमा करते हैं, इसलिए चंद्रमा में इतनी शीतलता है, वो बता सकता है कि दुनिया में सबसे सुंदर नारी किसकी है। इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तुम बतलाओ, क्या तुम बता सकते हो दुनिया में सुंदर नारी किसकी है? चंद्रमा ने कहा, हां मैं बता सकता हूं। इंद्र ने कहा, कौन है? बतलाया, इस समय अगर दुनिया में सुंदर नारी है तो वो कौन है? बतलाया, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। इंद्र कहने लगे, चंद्रमा अगर अहिल्या बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, तो चल करके हमें रास्ता बताओ, मिलाओ, हम देखें कैसी सुंदर है वो। आज इंद्र जो है चंद्रमा को साथ में लेते हैं और गौतम ऋषि के घर पे आ रहे हैं। चलते चलते इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि के घर पर आए हैं। और इधर गौतम ऋषि का नियम है, संत का नियम क्या है? प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करना, भगवान का पूजा करना, ये संतों के लक्षण हैं। तो गौतम ऋषि का भी यही नियम है। भक्त लोग एक पद गाते हैं क्या भैया? लोग गाया करते हैं कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे जाते थे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा। गौतम ऋषि माता गंगा के परम भक्त हैं। जाते थे गंगा सवेरे जाते थे गंगा। प्रातः काल गंगा स्नान को जाते हैं, 4 बजे मुर्गे की आवाज को सुन करके। इधर रात्रि का समय है, इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि के घर पे आए हैं। ठीक रात के जब 12 बजे तो इंद्र जो है चंद्रमा से कहने लगा, ए चंद्रमा अब ऐसा करो। कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा,
मेरे बंधु, आज इंद्र कहने लगा चंद्रमा से, चंद्रमा तुम ठीक रात के 12 बजे अमुर्गा बन जाओ और कुकड़ू की आवाज करो, आवाज सुन करके गौतम ऋषि गंगा स्नान चले जाएंगे और हम उसी समय मौका पा करके छल करेंगे। वही हुआ इंद्र के कहने के अनुसार, रात के 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बन गया मायावी और मुर्गा बन करके आज कुकड़ू की आवाज करता है। जैसे आवाज करता है गौतम ऋषि, जब मुर्गे की आवाज को सुना तो कुसमय मुर्गा बांग लगाई, कुसमय मुर्गा बांग लगाई, गंगा नहान चले मुनिराई, की आवाज को सुना गौतम ऋषि उठाते कमंडल, स्नान कर दिया। इधर जिस समय गौतम ऋषि गंगा जी पर पहुंचे हैं, ठीक रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे स्नान करना पूजा करना ये तो भैया अच्छी अशुभ माने गए हैं, लेकिन होता है ऐसा नहीं है, कुछ कारण बस ऐसा होता है जो इंसान को करना पड़ता है। 12 बजे जिस समय गौतम ऋषि पहुंचे हैं गंगा स्नान करने, तो 12 बजे रात्रि के बाद में हर कार्य में मंद गति आ जाती है। जिस समय गौतम ऋषि स्नान करने लगे, कमंडल डुबोया गंगा जी में, गंगा जी की आंख लग चुकी थी, जग पड़ी और जैसे जगी कहने लगी, ए अर्ध निशा में पापी कौन यहां आया, धुंधला के गंगा में सब कौन है, आधी रात में यहां पर मेरी धारा में आ गया, मुझे मेरी निद्रा को भंग कर दिया। जय श्री गंगा जी ने ललकार लगाई, कौन है दुष्ट। वैसे गौतम ऋषि हाथ जोड़ के बोले, मां कोई नहीं, आपका भक्त मैं गौतम हूं। जब गंगा जी ने अपने भक्त गौतम को देखा, विचार करने लगी, ये तो मेरा भक्त 4 बजे स्नान करने आता था, आज 12 बजे। माता गंगा बोली, बेटा गौतम इस समय तुम आज रात के 12 बजे स्नान कर रहे हो। गौतम ऋषि ने कहा, मां 12 कहां, हम तो मुर्गे की आवाज को सुनकर के प्रतिदिन गंगा स्नान आते हैं और आज भी मैं मुर्गे की आवाज को सुनकर के स्नान करने आया हूं। गंगा ने कहा, भैया इस समय 12 बज रहे हैं, अभी प्रातः काल नहीं हुआ है। गौर किया गंगा जी ने, देखो भक्त का अपमान भगवान कभी नहीं करते हैं, माता जी के भक्त हैं गौतम ऋषि। मां ने गौर किया, सारी कहानी बता दी, गौतम तुम यहां स्नान कर रहे हो, जाओ तुम्हारे घर में छल हो रहा है। क्या बोली गंगा, कहने लगी, गौतम तुम जल्दी से अभी यहां से भाग जाओ, तुम्हारे घर में देवताओं का राजा इंद्र छल कर रहा है। जैसे गौतम ऋषि ने सुना, मेरे संग में संत के संग में छल, किसका स्नान किसका ध्यान, भाग खड़े हुए गौतम ऋषि अपने घर। इधर जिस समय गौतम ऋषि अपने घर को आ रहे हैं, उधर इंद्र जो है, जब गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले आए थे, समय पा करके इंद्र जो है गौतम का भेष बनाता है और घर के अंदर पहुंचे हैं, बैठे हैं इंद्र अंदर, बैठे हैं इल्या के पास में। इधर वापस गौतम ऋषि आ गए, दरवाजे बंद हैं, आवाज दिया, खुंडी को उठाया, अरे अहिल्या, ओ अहिल्या, कौन है। अहिल्या असमंजस में पड़ गई कि क्या कारण है भगवान, आज हमारे दो पति हो रहे हैं, एक पति हमारे पास बैठा और एक दरवाजे आवाज दे रहा है। अब उसकी समझ में बेचारी ये नहीं आ रहा है कि आज दो पति, इसमें कौन असली है कौन नकली, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जो जो किवाड़े नहीं खोल रहे हैं, गौतम ऋषि के क्रोध का पारा बढ़ता जा रहा है। मेरे भक्तों, संत का क्रोध भी अपार होता है। खैर, जिस समय अहिल्या दरवाजे खोलने चली है, किवाड़े खोलने चली है, इंद्र पीछे से छिपे हैं, कांप रहे हैं मेरे बंधु। जैसे दरवाजे को खोला है अहिल्या ने,
इंद्र पीछे छिपे कांप रहे हैं। क्यों भैया, आदमी कितना भी बुद्धिमान हो, बलशाली हो, अधर्म के रास्ते पर अगर कार्य करते पकड़ लिया जाए तो उसके शरीर से, स्वामी जी ने लिखा है, क्या क्या चीजें निकल जाती हैं। जिमी को पंथ पग देत खगेशा, जिमी को पंथ पग देत खगेशा, अधर्म के रास्ते पर पैर रखने से मेरे बंधुओं रहई न तेज बुद्धि बल लेसा, ये चार चीजों का तत्काल विनाश होता है। गौतम ऋषि के घर में आज इंद्र कपट करते पकड़ लिए गए, आज कांप रहे हैं। गौतम ऋषि के क्रोध का पारा बढ़ रहा है, क्रोध में आकर के श्राप दिया, जाओ इंद्र, तुम देवताओं के राजा होकर के आज मेरे घर छल करने आए हो, एक भाग के कारण मेरे घर छल करने आए हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। क्या कह दो तुम छल किया हमारे, कह दो तुम छल किया हमारे, साहस भग इंद्र तुम्हारे, कह दो कारण मेरे घर छल करने आए हो, तुम्हारे शरीर से हजार भाग हो जाएंगे। उसके बाद विचार किया गौतम ऋषि, महात्मा है, ध्यान किया, तपस्या किया है, मां गंगा के भक्त हैं, विचार करने लगे। 12 बजे मुर्गा बोला है, मुर्गा तो 4 बजे बोलता है, 12 बजे मुर्गा कौन बोला, देखा चंद्रमा मुर्गा बने घूम रहे हैं, क्रोध में आकर के चंद्रमा को श्राप दे डाला, जाओ चंद्रमा तुम अधर्म के रास्ते में साथ देने आए हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के दिन मुनि मयंक को श्राप दे धब्बा दियो लगाए, अरे भाद्र शुक्ल चंदा लखे बिना किए लग जाए, भाद्र शुक्ल चंदा लखे बिना किए श्राप दे डाला, जाओ आज के दिन कोई भी आदमी कितना धर्मात्मा हो अगर तुमको देखेगा तो उसके माथे में कलंक का टीका बस लग जाएगा। फिर उसके बाद अपनी पत्नी अहिल्या से पूछा, ये सब कैसे क्या हुआ, बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही है, चुपचाप खड़ी है, न हिलती न डुलती है, पत्थर के समान, मूर्त के समान खड़ी है। क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे डाला, जा रे अहिल्या तू पत्थर के समान खड़ी तो तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाए, पत्थर के समान हो जाए। और उसके बाद अब क्रोध शांत हुआ, अभी नहीं, अभी क्रोध का पारा शांत नहीं हुआ गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि की एक लड़की थी जिसका नाम था अंजनी, अपनी लड़की से पूछा, बेटी ये सब कैसे क्या हुआ, वो भी नहीं बेचारी कुछ बोल रही, उसका क्या जाना है, जब नहीं बोलती है तो गौतम ऋषि अपनी लड़की को श्राप देते हैं, जा रे तू अपनी माता का पक्ष ले रही है, इसलिए मैं तुझे इस रहस्य को छिपाना चाहती है, तू नहीं बता रही तो जा, इस भेद को छिपाना चाहती मैं तुझे श्राप देता हूं तेरे कुंवारेपन में पुत्र का जन्म। मेरे बंधु पिता का श्राप सुनकर के, क्योंकि कहा गया है संत बचन नहीं हुई अलीका, संत के जो अगर संत है जो बात कह देता है पत्थर की लकीर है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु के बचन पर ही चाहे पीता, प्रभु के बचन पर ही चाहे पीता, संत बचन पत्थर के नीता,
प्रभु के बचन परे चाहे फीका और संत बचन पत्थर के, भगवान की बात कट जाएगी लेकिन अगर संत है तो उसकी बात पत्थर की लकीर समझें। आज मेरे बंधु अपने पिता का श्राप सुन करके अंजनी विचार कर ले कहां जाऊं, पिता ने इतना घोर श्राप दिया है कि कुंवारेपन में लड़के का जम कहां मुंह दिखाऊंगी, इसलिए बेचारी कहां जाती है घर छोड़ करके, कहां गई भैया लोग आते हैं, कहां गई गंगा पर, क्या करती है लिखा है, माताएं बहनें भी कभी कभी गाती हैं, कहां जाती है, रामा झीरा झीरा बहाई गंगा नदी जंगल मोर बोलई जंगल मोर बोलाई रे, रामा झीरा झीरा बहाई गंगा नदी जंगल मोर बोलई जंगल मोर बोलाई रे, आज गौतम ऋषि की लड़किंदनी हो रामा गंगा किनारे बेटी, किनारे बेटी अंजनी माड़िया तो छा वामी माड़िया तो बा नामा किनारे, घर घर होता है चाहे महज माले पत्थर का घर हो चाहे घास फूस का, घर घर होता है। आज गंगा के किनारे घास फूस की मड़िया छवाती है अंजनी माँ और ऐसा महल बनवाती है, और रामा ऐसा महलू बना गाँवी खीरा क्यों नहीं राखई खीरा क्यों नहीं राखई हो, करती है यही सगे पर मड़िया बोमा करके घर से नहीं निकलूंगी, आदमी तो आदमी आदमी की शक्ल भी नहीं देख सकती हूँ तो लड़का कहाँ से होगा, रामा गंगा से नलू लगा वावी पिए नीत पनिया पिए नीत पनिया हो, रामा गंगा से नलू से नल लगवा करके माता अंजनी जल पीती हैं और उसी मड़िया में रहती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, बहुत दिन बीत गए, एक दिन की बात है भक्तों जो माता अंजनी गंगा से नल लगवा करके जल पीती हैं, भगवान की लीला देखो, हो रामा एक दिवस केरी बात भोले का कामू छूटे भोले का कामू छूटाए रे, रामा का दिवस एक दिन की बात है, भगवान भगवान शिव का अंश, अब आप लोग सोचते होंगे गंगा में भगवान शिव का अंश, सभी भक्त जानते हैं जो भगवान शिव का अंश जो गंगा जी में आया सो कैसे आया, आप लोग कहानी बड़ी लंबी है, बहुत प्रसंग लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं जिस समय भगवान शंकर के पीछे भस्मासुर पड़ गया था, भगवान शिव भस्मासुर को भस्म करके जिस समय भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप बने थे
भगवान विष्णु के सामने, जब भगवान विष्णु के सामने भगवान शिव पहुंचे हैं तो कहा है नाथ भस्मासुर कहाँ है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ तुम चिंता ना करो, उसको हम भस्म कराए हैं। भोले बाबा ने कहा कैसे, कहा फिर ये बात मैं पूछो कैसे, अरे जो कार हमने कभी नहीं किया वो तुम्हारी पार्वती के संग में विवाह करना चाहता था, मैंने नारी रूप बना करके उस भस्मासुर को मोहित करके उसको भस्म कर डाला। इसलिए तो भक्त कभी कभी एक पद भी गाया करते, कहते हैं क्या, भगवान की माया बहुत विचित्र है, भगवान विष्णु की माया को कोई जान नहीं पाया है, ये माया क्या है। भक्त लोग, कबीर बाबा ने भी एक पद लिखा है, क्या, निर्गुण भाषा में लिखा है कि टिकुलिया लगाए के, अरे टिकुलिया लगाए के अब के ही कामरी हो, टिकुलिया लगाए के ही कामरी हो टिकुलिया। विष्णु कुमारा ब्रह्मा कुमारा, इस माया से कोई बचा नहीं। ब्रह्मा कुमारा विष्णु कुमारा नारद कुमारा बंदरिया बनाएंगे, अब कहीं का अब कहीं का मरी हो कि कुलिया लगा, अब कहीं का मारा पारा सर को भस्मा को मारा है, भस्मा को मारा नचनिहा बनाए थे, अब कही का अब कही का मरी हो टिकुलिया लगा, अब कही का मरी हो। अब के ही काम हरी हो टिकुलिया लगा, बात उसी पर आ जाइए भैया। मैं तो बता रहा था ना कि जिस समय भगवान शंकर ने पूछा कि भोले भगवान विष्णु से, प्रभु वो भस्मासुर कहाँ है, तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता न करो उसको हम भस्म कराएं। तो भगवान शंकर ने कहा कैसे, तो सारी कहानी बताया भगवान विष्णु ने कि तुम्हारी पार्वती के संग विवाह करना चाहता था तो मोहिनी रूप बना करके हम भस्मासुर को भस्म करके मार डाले। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हो रहा था, विश्वास करने के लिए कहा ठीक है, मुझे नहीं विश्वास आ रहा प्रभु, लेकिन तुम कहते हो मान सकते हैं, ठीक है, अगर जो तुमने मोहिनी रूप रख करके भस्मासुर को सामने जो पार्वती का भेष बनाया था वही रूप तुम हमको दिखाओ, यानी हमारी पत्नी का रूप बना करके हमारे सामने हमको दिखाओ। भगवान विष्णु ने कहा भाई बड़ी बात कठिन है, नहीं मानते हो तो ठीक है। भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु ने पार्वती का भेष बनाया, जिस समय पार्वती का भेष बनाया भगवान शंकर ने जिस समय मोहिनी रूप देखा है वो भूल ही गए कि ये भगवान विष्णु है या मेरी पत्नी। इतना सुंदर रूप बनाया है भगवान विष्णु ने भोले बाबा के सामने पार्वती का कि रूप मोहिनी देखती भय, रूप मोहिनी देखत भय लगी हुई भय, स्वरूप दे करके भगवान शिव इतना मोहित हो गए कि भगवान शिव का अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा टपके।
पकड़ने दौड़े, जैसे पकड़ने दौड़े वैसे भगवान विष्णु एक दो दिन कहा कहाँ जा रहे हो मेरे बंधु, अपने रूप में आ गए। लेकिन भगवान शंकर का तेज जो पृथ्वी पर गिर पड़ा, भगवान विष्णु ने विचार किया ये महान भोले बाबा का तेज है, व्यर्थ क्यों जाए। वही तेज भोले बाबा का उठा करके एक पत्ते में नदी में डाल दिया, वही नदी में जब डाल दिया भगवान शिव का अंश, वही दोने में बंद भगवान भोले बाबा का अंश नदी में बहते बहते कहां आ रहा है, आ जाइए अपनी बात पर, कहां आया, जहां पर रामा गंगा किनारे बेटी या तो छा वावाए समय। माता अंजनी ने गंगा से नल जो लगा था पानी खींचने के नल को चलाया तो जल के साथ पत्ता तो अटक गया, जल के साथ में रामा जल के साथ माता अंजनी तेज वाह पीवाई तेज वाह पीवाई रे रामा जल के साथ पी गई। लेकिन अंजनी को नहीं मालूम घटना घट गई, होनी हो गई, क्योंकि गौतम ऋषि संत हैं, श्राप दिया है कुंवारेपन में पुत्र का जन्म होगा, संत की बात कभी फेल नहीं हो सकती है। आज मेरे बंधु जब माता अंजनी वो तेज पी गई, धीरे धीरे गर्भ ठहर गया, गर्भ बढ़ने लगा, लेकिन माता अंजनी को कुछ खबर नहीं है। रामा दिन दीना बाढ़ लागो गर्भ अंजनी नाही जाने अंजनी नाही जाना है रामा दिन दीना बाढ़ धीरे धीरे समय बीता कौन सा रामा आठ मास नवो लागे खिला दू नहीं पाए खिला दू नहीं पाए हो रामा आठ मास नवो रामा नवे मास के रे भीतर तो हनुमत जन्म लीन के बजरंग जन्म आज नवे मास के अंदर मेरे बंधु हनुमान जी ने जन्म लिया। एक बार जयकारा बोलिए प्रेम से, बोले बजरंग बली की। माताएं बहने कितना खुश होती हैं, आज हनुमान जी का जन्म हुआ है मेरे बंधु, मेरे बंधु। और ये तो आप जानते हो जब पुत्र का जन्म होता तो कितनी बड़ी खुशी होती है। एक देवी के लड़के का जन्म हुआ है तो देवी क्या कह रही है जरा ध्यान दें। आइए मैं बोल रहा हूं एक पद माताओं बहनों को सुना दें। हनुमान जी का जन्म हुआ है ना तो क्या कहती देवी, कितना वो कहती पुत्र का जन्म हुआ है, वो कह रही स्वामी सुनो। कभी कभी माताएं गाती हैं क्या, छज्जों के नीचे अरे छज्जों के नीचे जच्चा खड़ी पछिता छज्जों के नीचे जच्चा खड़ी पछिता। जच्चा खड़ी क्या कहती है
नहीं तो राजा चरवा चढ़ाई हो अपने हाँ नहीं तो राजा चरवा चढ़ाई हो अपने तो राजा अपनी जुठनी बोलाए ले कहो तो राजा अपनी जुठनी बोलाए ले नहीं तो राजा अरे हाँ नहीं तो राजा पिपरी सही हो अपने हाथ नहीं तो राजा नीचे जचा खड़ी पची था। इस प्रकार से आज मेरे बंधु हनुमान जी का जन्म हुआ है। मेरे बंधु अंजनी आज परेशान वो पछतारी क्यों? अरे जिसके घर में पुत्र का जन्म हो औरत पछताएगी, लेकिन हाँ वो पछता रही अंजनी क्यों? जिस समय हनुमान जी का जन्म हुआ तो हनुमान जी की जब शकल देखा है माता अंजनी ने, कैसी शकल? आप सभी भक्त जानते हैं हनुमान जी की शकल बानर की है। भक्तों रामा रूप देखी माता अंजनी बहु तो तौडे रानी बहु तो तौ भायानी विचार करने लगी बार परमात्मा पुत्र होता तो सुंदर होता है तो बंदर की शकल कहां मुझे खाऊं। एक तो कुंवारेपन में डर गई मैया लोक लाज के कारण आधी रात का समय है। माता अंजनी हनुमान जी को गोदी में उठा लेती हैं। लोकलाज के रे कारण जंगल फैकी आवई जंगल फैकी आवाई रे मैया लोकलाज मैया अंजनी हनुमान जी को गोदी में उठा लेती हैं और रात के 12 बजे ठीक जंगल में फेंकने चली जाती हैं। और जिस समय माता अंजनी हनुमान जी को फेंकने लगी हनुमान जी बोल पड़े, क्या बोले? हो मैया भूख लागी आती मोरे भोजन तुमका राओ भोजन तुमका रावाओ रे मैया भूख लागी भूख लगी तुम हमें फेंकने आयो। कैसी माँ हो, माँ बच्चे का जन्म देकर के दुलार करती तुम मुझे फेंकने आई हो। मैया अंजनी रोने लगी कहने लगी लाल मैं तुम्हारी माँ नहीं, अगर माँ होती तो फेंकने क्यों आती? बेटा मैं तुम्हें दूध नहीं पिलाऊंगी लेकिन हाँ तुम्हारा भोजन बता रही हूँ। रामा अंजनी कहती सुनो लाल नयन जल छाए नयन जल छाए हो रामा अंजनी का हाथी सुनो आज रोने लगी अंजनी कहने लगी बेटा मैं दूध तो नहीं पिला सकती हूँ लेकिन सुनो बेटा तुम्हारा भोजन मैं बतला रही हूँ। बेटा लाल प्यारे फल फूल जंगल बीच खायो जंगल बीच खायो हो भैया लाल प्यारे बेटा
लाल पीले फल फूल ही तुम्हारा भोजन है, इन्हीं को खाना और कुछ नहीं। इतना कह करके अंजनी हनुमान जी को जंगल में फेंक देती है और चली आती है। रात भर हनुमान जी उछलते कूदते रहे। सवेरा हुआ, देखा पूरब दिशा की तरफ भगवान भास्कर निकले। और ये तो आप सभी जानते हैं भैया माताएं बहने कि प्रातः काल सूरज जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सूरज का रंग एकदम लाल होता है। हनुमान जी ने देखा पूरब दिशा से भगवान भास्कर निकले, लाल लाल गोला देखा। हनुमान जी ने विचार किया बहुत भूख भी लगी है और ये फूल भी हमारा पर्याप्त है। लगाई छलांग, शिव जी के अंश है ना, भगवान भोले बाबा के अंश है हनुमान जी, इसलिए तो लिखा है हनुमान चालीसा। तो आप पढ़ते हैं हनुमान जी किसके पुत्र हैं, हनुमान चालीसा साफ साफ बताता है कि शंकर सुवन के शरी शरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंदन तेज प्रताप महा दूसरा अवतार हनुमान जी भगवान भोले बाबा के पुत्र हैं, भगवान शिव के अंश है। इसे लिखा तेज प्रताप महा जगबंदन, जिसके तेज की वंदना दुनिया करती है, ऐसे के पुत्र हैं हनुमान जी महाराज। आज रात भर उछलते कूदते रहे। सवेरा हुआ मेरे भक्तों, पूरब दिशा की तरफ मेरे बंधु भगवान भास्कर को देखा, लगाई छलांग फौरन पकड़ लिया। हो रामा फूला जानी हनुमान सूरजन कहीं लीले सूरजन कहीं लीलाएं रे रामा फूला जानी सूर्य भगवान क्वार निगल गए, तीन लोकों में अंधेरा छा गया। अब क्या होगा, बिना सूर्य भगवान के हम कैसे रह सकते हैं? सूर्य से अगर प्रकाश न मिले तो हम नहीं रह सकते हैं। मेरे बंधु सभी देवता परेशान हो गए, भाई पता किया जाए नारायण जी कहां गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी पवन इत्यादि आदि आदि सभी देवता सूर्य भगवान को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में आए, जिस जंगल में हनुमान जी उछल कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया, यही होनहार लड़का है, इसी ने सूर्य भगवान को पकड़ रखा है। मेरे भक्तों, आज ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र पवन आदि सभी सब देवता हैं। मेरे बंधु, आज सूर्य भगवान को छुड़ाने के लिए सभी देवता आज हनुमान जी को वरदान देने लगे। क्या वरदान देते हैं भगवान भोले बाबा? सबसे पहले क्या बोले, बेटा हनुमान तुम सूर्य भगवान को छोड़ दो, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तुम कैसे हो गए? अगर हमारा गुना निधि सुता हो तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती हनुमान। अगर हमारा गुना निधि सुता हो वरदान दिया, जाओ बेटा तुम सदैव अजर अमर रहोगे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती दुनिया में, लेकिन तुम सूर्य भगवान को छोड़ दो। मेरे बंधु, इंद्र ने क्या वरदान दिया, जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र ने हनुमान जी को गदा दिया। जो हनुमान जी के पास से गदा है ये किसका दिया हुआ है? ये मेरे बंधु सूर्य भगवान ने नहीं बल्कि महाराज इंद्र ने दिया था। राजा इंद्र ने हनुमान जी को गदा भेंट किया है कि जाओ हनुमान जी, संसार में तुम शत्रुओं का विनाश इस गदे के द्वारा करोगे, लेकिन सूर्य भगवान को छोड़ दो। पवन देवता ने कहा, हनुमान तुम सूर्य भगवान को छोड़ दो। कभी कभी लोग कहते हैं हनुमान जी के पिता पवन हैं, बात तो सही है, बिना पवन के द्वारा कोई कार्य नहीं है। मेरे बंधु, हनुमान जी को वरदान दिया, पवन देव ने कहा बेटा जाओ संसार में तुम्हारी गति जो चाल है वो कैसी होगी? पवन तने मम पवन समाना, पवन तने तुम पवन समाना,
तुम्हारी चाल हमारी हवा के समान तुम चलोगे उड़ोगे, लेकिन तुम सूर्य भगवान को छोड़ दो। मेरे बंधु, आज जब इतना इतना वरदान सभी देवताओं ने दिया, आज वरदान पा करके हनुमान जी मगन होंगे। क्या करते हैं? रामा जवतन की नीलिमा, सूरज उगे नीलिमा, सूरज रामा जवतन की। जब देवताओं ने विनती किया, सूर्य भगवान को छोड़ दिया, तीनों लोकों में प्रकाश हो गया। रामा इंद्र परी मिली, नाचे सखी न गावे, सोहर सखी न गावे सोहर। आज हनुमान जी ने छोड़ दिया सूर्य भगवान को, तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। आनंद की बधाइयां बजने लगी, इंद्र की अप्सराएं नाचने लगी, आनंद की बधाइयां बजने लगी। आइए भक्तों, इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। मेरे बंधु, हनुमान का जन्म कैसे हुआ? आप लोगों ने मेरे द्वारा ये छोटा सा प्रसंग श्रवण किया लवली कैसेट के माध्यम से। आइए, इंद्र की अप्सराएं जहां नाचती होंगी भैया, जहां हनुमान जी का जन्म हो तो वहां फिर खुशियों का जहां ढेर हो वहां पर फिर क्या कहना। तो आइए, इधर हनुमान जी का जन्म हुआ है ना, तो एक छोटा सा पद ध्यान दीजिएगा। जिस समय इधर हनुमान का जन्म हुआ है ना, तो सखियां गा रही हैं, क्या कहती हैं? हम आपको एक छोटा सा पद सुना रहे हैं माताएं बहनें, ध्यान दें। और विशेष करके माताएं बहनों के लिए पद है, कैसा होना चाहिए प्रेम। आप लोगों ने सुना ये प्रसंग, मैंने सुनाया कि संसार में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया और लड़की को श्राप दिया। मेरे बंधु, प्रभु के वचन होए चाहे फीका, संत वचन पत्थर के लीका। आज वही हुआ, एक अनमोल रत्न पैदा हुए, हनुमान जी का अवतार हुआ। मेरे बंधु, आओ खुशियों की आज छड़ी नहीं है, एक छोटा सा पद ध्यान दें, हनुमान का जन्म हुआ है, ध्यान दें। इधर हनुमान जी का जन्म है तो आज मेरे बंधु क्या कहते हैं, कैसी आनंद की बधाइयां बज रही हैं। मेरे बंधु, इधर हनुमान का जन्म हुआ है, इधर भगवान कृष्ण का जिस समय जन्म हुआ उस समय का एक पद है, मैं आपको सुना रहा हूं बहनों, ध्यान दीजिए। लिखा है, कहाना भय सोहिलायाली मोरी, कहाना भय सोहिलायाली मोरी, कहाना भय केरी, कहाना केरी मोरी। देखो भगवान पर भी कितना बड़ा दुख आया है। ये जन्म होना अच्छी बात नहीं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही तो सबसे बड़ा दुख है। सो आली मोरी, मथुरा में जन्मे कन्हैया, सो आली मोरी मथुरा में, गोकुला केरी रे, गोकुला केरी आली
केरी विष्णु भगवान की। और कितना आनंद है भगवान की इस पावन चर्चा में। सूरदास बलि जाऊं चरण इनके, चरणाइन के लागी हूँ वाली मोरी, चरणाइन के सोहाली मोरी हुई गई हमारे द्वारे कन्हैया गए, कन्हैया गए से हनुमान जी का जन्म हो गया है। आनंद की बधाइयां बज रही हैं। आज खुशियों का ढेर लगा हुआ है। आज इसीलिए तो कहा गया है जहां पर एक हनुमान जैसा अवतार हो, इसीलिए कहा गया है चलते चलते हनुमान जी का एक पद है। जय बोलो हे भैया पवन सुत की, जय बोलो हे भैया। सुत की जय बोलो रे भैया, राम काज हनु मत करियाए, राम काज हनु लाए खबरिया सिया राम की, जय बोलो रे भैया पवन सुत की, जय बोलो रे। लक्ष्मण जी के हनुमान की, जय बोलो। सुरेंद्र सिंह विनती प्रभु तुमसे, सुरेंद्र सिंह विनती प्रभु तुमसे, अब ले लो हनुमान जी का जन्म हो गया है। आनंद
की बधाइयां बजने लगी। इस प्रकार से आप लोगों ने लवली कैसेट के द्वारा, मेरे द्वारा, श्री सुरेंद्र सिंह यादव द्वारा, ये आप छोटा सा प्रसंग हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ लवली कैसेट के माध्यम से आप लोगों द्वारा मैं पहुंचा रहा हूं। दो बार भगवान का नाम लीजिए, आत्मा को पावन करें। सभी लोग बोलेंगे मेरे राम सहारा बन जाना, गोपाल सहारा बन जाना। मैं कब से विष्णु भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की।